कैनेडा के पार्लीमेंट च खालिस्तानी वक्फवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की पहली वरेगंढ मौके बीते दिन मौन रखा गया। दस दिए कि जून 2023 च निज्जर नूं सरी दे इक गुरद्वारे के बाहर गोली मार दी गई सी। इस घटना ने भारत ते कैनेडा विचाले तनाव वधा दिता जदों कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की मौत च भारतीय एजेंटा की संभावित शमूलीयत का पार्लीमेंट च जिक्र किया। कैनेडा ने इस घटना के संबंध च चार भारतीय नागरिकों हिरासत च भी लिया, पर भारत लगातार कहता रहा है कि कैनेडा ने सिख वक्फवादी कतलेआम या गिरफ्तारियां बारे अधिकारित तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने कैनेडा के दोषों को बेतुका और गुप्त इरादियां नाल प्रेरित दसदिया रद्द कर दिता है। कैनेडा से भारत से चल रहे तनाव दौरान पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रूडो ने इटली च G7 शिखर सम्मेलन दौरान मुलाकात की। मीटिंग तो बाद कैनेडियन प्रधानमंत्री ने अगे वधन वाले महत्वपूर्ण मुद्दे नाल नजिठण लई दोवां देशों दरम्यान आपसी वचनबद्धता उजागर किया। इन्ना ही नहीं, इस महीने की शुरुआत ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हां दी चोण जित ते वधाई। कैनेडा मनुखी अधिकारां विभिन्नता ते कानून दे शासन ते जोर दिंदे हुए साडे लोकां दरम्यान संबंधां नूं वधाउण लई उन्हां दे प्रशासन नाल सहयोग करन लई तैयार है। इसके जवाब च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आपसी समझ और एक दूजे दीआं तरजीहां दे सन्मान के आधार पर कैनेडा नाल सहयोग करन दी उम्मीद करता है। उधर ही गुरुद्वारा संतोख खसर विखे निज्जर की पहली बरसी नूं शहीदी दिहाड़े वजों मनाया गया। दस दिए कि समागम च वख-वख शख्सियतां ने शिरकत की। समागम वाली थां ते हरदीप सिंह निज्जर दीआं तस्वीरां ते कैनेडा सरकार दा धन्नवाद वाले बोर्ड भी लगे हुए सन। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ते श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने शमूलियत की श्रद्धांजलि भेंट की। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।